किस्मत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम्बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आपको एक अहम तरीन मौजू की जानिब ले जा रहा हूँ। हिजाब का तनाज़ा चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इस दरमियान में मीडिया की साजिश हमेशा से ये रहती है कि वो कुछ ऐसे अफराद को जो नाम से मुसलमान होते हैं लेकिन अंदरूनी सतह से वो पूरी तरह मुर्तद हो चुके होते हैं, ज़हनी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी, ज़बानी तौर पर भी, ऐसे लोगों को लाकर के वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके बयान को बार बार दिखा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब जो हिजाब का मामला चला या चल रहा है, इस दरमियान में बहुत सारे अलग अलग इसी तरह के नाम निहाद मुसलमान, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, या तो उनको आप मुर्तद, ज़हनी तौर पर मुर्तद या मुल्हिद कह सकते हैं। उसमें से एक नाम है आरिफ खान, जो बीजेपी के केरला में गवर्नर हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था एक सहाबिया को लेकर के, और वो अंग्रेज़ी में था, जिसको चार चैनलों ने कवरेज किया। वो वीडियो हम आपको जो है सुना नहीं सकते, इसलिए कि जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो मौजूद जहाँ हैं वहीं पर जो है उसमें कॉपीराइट का मसला है, और उस बयान को बहुत सारे चैनलों ने दिखा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैंने तहकीक के लिए आगे बढ़ा तो अबू मरियम नामी एक शख्स की बेहतरीन तहरीर मिली, और वहाँ पर वो सारी तफसीलात पेश करने की कोशिश हुई थी, जो चाह रहा था कि मैं अहादीस के हवाले से आप लोगों के सामने मिलूँ रखूँ। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तफसीलात मिली तो सोचा कि आपके सामने रखूँ उन्हीं तफसीलात को, उन्हीं के हवाले से। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, अबू मरियम ने बेहतरीन अंदाजे में समझाने की कोशिश क्यों की है कि बीजेपी की तरफ से केरला में मुकर्रर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के ज़रिए एक टीवी चैनल पर इस्लाम में औरतों के पर्दे के सिलसिले में दिया गया बयान इंतहाई गुमराह कुन है। उन्होंने उनके हवाले से काफ़ी गलत बात लिखी है, जो आम तौर से फाहिशा ख़वातीन खुद के बारे में कहती हैं। ला हौला वला कुव्वता नाऊज़ु बिल्लाह। उन्होंने इस सिलसिले में तबरी का झूठा हवाला भी दिया, जबकि वाक़या तबरी में कहीं भी मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर वाक़या उन्होंने कहाँ देखा और किस जगह से लिया, इसलिए उसकी तहकीक ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि हज़रत आयशा बिनत तलहा का तारुफ़ पेश किया जाए मुसलमानों के सामने और बिलखसूस हमारी ख़वातीन के सामने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहद ताबईन की बड़ी शरीफ़ुन्नसब, जिंदा दिल, पारसा और साहिब जमाल ख़ातून थी, यानी खूबसूरत थी। उनका पहला शर्फ ये था कि वो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला की साहिबजादी थी, जिनका अशरे मुबशरा में शुमार है सहाबी। दूसरा शर्फ यह है कि उनकी वालिदा मुहतरमा उम्म कुलसूम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, जिनके वसीले से वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नवासी भी हुई। तीसरा फ़ख्र उनका यह कि वो हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम की साली थी। इसके अलावा वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई और हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर की बीवी थी, जो किसी ज़माने में कूफा के गवर्नर थे। नाज़रीन, दुनिया के सारे ऐश पसंद इंसान इस्लाम के पर्दे के निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। उनके सामने कुरान के अहकाम और हदीस अहम नहीं है, जिनमें साफ तरीके से औरतों को पर्दा रखने का हुक्म दिया गया। यह अलग बात है कि उलमाए किराम के दरमियान पर्दे की हद को लेकर के इख्तिलाफ़ है, लेकिन पूरी उम्मत इस पर मुत्तफिक है कि चेहरे के अलावा औरत का पूरा जिस्म पर्दे में शामिल है। बास के यहाँ चेहरा भी शामिल है और अक्सरियत यही इसी चीज़ को मानती है। लेकिन बीजेपी के गवर्नर जो फिक्री एतबार से इल्हाद का शिकार हो चुके हैं, और उनकी तस्वीरें इससे पहले भी एक मंदिर में पूजा करते हुए शाये हो चुकी थी, जाहिर सी बात है कि इसका इस्लाम और ईमान से क्या ताल्लुक होता है। जो ईमान
और कुफ्र के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो अलग करती है हक और बातिल को, वही चीज़ आप करते हुए नजर आएँ और आप फिर मुसलमान बनकर के इस चीज़ की जानिब तवज्जो दें, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे शख्स की बातों की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन मीडिया इसी तरह के अशख़ास को पकड़ता है और उनके बयान दिखा दिखा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। बहर कैफ, बीजेपी के गवर्नर खुद को मुसलमान समझते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मगर उनको आयशा बिनते तलहा रज़ील्लाह ताला अन्हा के बारे में झूठा वाकया नजर आया मगर कुरान और सुन्नत में कुछ नजर नहीं आता। बेशर्मी की बात तो यह है कि आन जनाब ने मशहूर मुअर्रिख़ तारिक़ तबरी का झूठा हवाला देकर खलीफे अव्वल की नवासी और एक पारसा खातून के सिलसिले में एक ऐसी बात कह दी जो आजकल राखी सावंत भी खुद के बारे में नहीं कह सकती। राखी सावंत को जानते हैं आप। बहर कैफ, असल में ये फर्जी वाकया है क्या और क्या सच्चाई है इसकी? नाज़रीन, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुमताज़ सहाबी के बेटे ने अपने अहलिया हज़रत आयशा बिनते तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपने चेहरे पर पर्दा डालने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, चूंकि अल्लाह ताला ने मुझ पर हुस्न की मुहर लगाई है इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि लोग हुस्न को देखें और इस तरह लोग अल्लाह के फजल को मुझ में समझें, इसलिए मैं खुद पर पर्दा नहीं रखूँगी। पहला और सबसे अहम नुक्ता यह है कि अगर ये बयान सही भी साबित हो जाए तो उसे इस्लामी कानून में पर्दे की हैसियत पर बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये उनका इनफरादी सोच हो सकती है। इस्लामी कानून बुनियादी तौर पर सिर्फ कुरान और सुन्नत पर मुनहसिर है, ना कि एक खातून के बयान पर, अगर ये हकीकत है, जबकि हकीकत नहीं है क्योंकि ये वाकया फर्जी है। मसले की तरफ अगर वापस आते हैं और देखते हैं तो रिवायत का असल माकस अबुल फराज अल अजबहानी, जिनकी वफात 356 हिजरी की में हुई और किताब अल आगानी गीतों की किताब है, ये गीतों की किताब है, उन गीतों की किताब में जो है ये वाकया दर्ज है। अब वो रिवायत को बयां किया जाता है, अल हसन बिन यहया हम्माद उनके वालिद मुसाब से नकल करते हैं कि आयशा बिनते तलहा ने अपने चेहरे पर किसी से पर्दा नहीं किया, उस पर मुसाब ने उसकी सरजनिश की तो उसने कहा बेशक अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न से नवाजा है, मुझे ये पसंद है कि लोग उसे देखें और उन्हें मालूम हो कि अल्लाह ने उन पर किस तरह एहसान किया है, तो मैं उसे क्यों ढांपूं। किताबुल आगानी नंबर 186 दार सदर बैरूत में छपी है 2008 में ये किताब। अबुल फराज अल अस्बहानी उनकी तस्नीफ किताब अल आगानी ये असल में है क्या? इस किताब को बाज़ उलमा ने तनकीद का निशाना बनाया है और बाज़ ने उसे काबिल कबूल करार दिया है। जहाँ तक उनकी किताब का ताल्लुक है तो इसमें अजीब किस्म की रिवायात हैं जिन्हें दिलचस्प मालूमात या पुरलुत्फ़ हकाइक के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की शरई हैसियत मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे बुखारी शरीफ का इस्तेमाल होता है, मुस्लिम शरीफ का इस्तेमाल होता है और दीगर अहादीस की जो कुतुब हैं जो मशहूर हैं जिनको तमाम उलमाए किराम और तमाम जो अलग अलग मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको कबूल करते हैं। जाहिर सी बात है कि शरीयत के मामलात में कभी गानों की किताब इस्तेमाल करने का ख्याल नहीं किया जा सकता और जिस किताब का एक आरिफ खान खिता हवाला देकर के वाक़या सुना रहे थे वो एक गाने बजाने की किताब थी, उसका शरीयत से क्या लेना देना हो सकता है। अब रावियों का सिलसिला भी देख लीजिएगा, जो हमारे यहाँ पर किसी हदीस को परखने की उसकी सही है गलत है अहसन है हसन है और भी बहुत सारे उसके जो मदारिज होते हैं मनाजिल होते हैं, वो असल में रावी कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं और उनके ज़माने के सहाबा या ताबईन उनके सिलसिले में क्या कहते हैं या उलमा क्या कहते हैं, ये असल देखा जाता है। बहर कैफ, अजबहानी के बाद पहला रावी हसन बिन यहया है और आखिरी रावी मुसअब इब्ने ज़ुबैर हैं जो सईदा आयशा बिनते तलहा के शोहर थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। मस्कुरा दोनों के दरमियान रावी हम्माद बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलमौसिली और उनके वालिद इसहाक बिन इब्राहिम अलमौसिली हैं। बेटा और बाप दोनों गुलोकार और मौसीकार थे, यानी गाने बजाने वाले, ना कि हदीस के मुतअल्लिम और रावी। इन दोनों रावियों को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक रिवायत पर तबसरा करते हुए पिछली सदी के मुमताज़ मिस्री आलिम शेख जाहिद बिन
अल हसन अल कौसरी का तबसरा है जो अरबी में उन्होंने किया, जिसका तर्जुमा है कि हम्माद बिन इसहाक अल मौसली वो और उनके वालिद अल अगानी के रावियों में से हैं जो मशहूर गुलोकार हैं, वो और उनके वालिद उन लोगों में से थे जो रात को तफरीह के लिए कहानियां सुनाया करते थे, और इन लोगों में से नहीं जिन्हें अजीम आइम्मा की सवाने उम्री में सबूत के तौर पर लिया जा सकता है। जो लोग गाने बजाने और कहानियाँ सुनाने वाले हैं वो तो ऊट पटांग ही बकते हैं, अपनी तसव्वुराती और तख्यालाती जो वाक़यात होते हैं उनको अल्फाज के खूबसूरत पैराए में बना करके पेश करने की कोशिश करते हैं। बहर कैफा, अगर उलमा की सीरत की रिवायत में भी उनको सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता तो उनको हलाल व हराम, वाजिब और दूसरी सूरतों में कैसे सबूत के तौर पर लिया जा सकता है। और दूसरा, इसहाक बिन इब्राहिम अल मौसली के बारे में इमाम खत्ताबी ने फरमाया, कोई भी समझदार आदमी जानता होगा कि बेहुदा और फहाशी के लिए जाने वाले सिर्फ रद्द और मजम्मत ही की जा सकती है, उसे कभी भी सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये उस वाक़े को हिंदुस्तानी मीडिया में पेश करने वाला शख्स किस मेयार का होगा उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ज़हनियत क्या है, उसकी रजालत और जलालत की इंतहा क्या है, और किस तरह एक गौरदरी के लिए शैतानी कर रहा है। ये किसी से पोशीदा नहीं है कि किसी की जो है चापलूसी करने के लिए, अपने ओहदे पर बरकरार रखने के लिए, या फिर जो है मुफ्त की इश्तिहार पाने के लिए ये सारी चीज़ें जो फिक्री तौर पर और ख्याली तौर पर, ज़बानी तौर पर, हर एतबार से जो मुर्तद हो चुका है, जिसके बयान से महसूस होता है, जिसके किरदार से महसूस होता है, वो इसी तरह के वाक़यात पर यकीन कर सकता है, कुरान और हदीस पर नहीं। कुरान और हदीस पर अगर यकीन होता तो ये शख्स जो है किसी मूर्ति के सामने सर नहीं पटकता। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ हकायक थी जो आप लोगों के सामने, हमारी बहनों के सामने आनी थी, आप ख़ुद भी देखें और हमारी ख़वातीन को इस सिलसिले में जो वाक़या बयान किया गया है ज़रूर शेयर करें माँ बहनों में, ताकि इस हकायक को भी सामने आ सके, अबू मरियम साहब के शुक्रिया के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात, ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,